पूरे देश में लॉकडाउन लागू है और ऐसे में केवल आवश्यक सेवाओं को ही संचालित करने की अनुमति है। हालांकि मौत किसी से अनुमति नहीं लेती है और दुख की बात है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान कई लोगों की जान चली गई है। दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगमबोध घाट में लगभग 250 शमशान राख लॉकर रूम में पड़े हैं। अधिकारियों ने कहा कि ये लॉकडाउन के कारण हुआ है, क्योंकि कई लोग राख को वापस लेने और उन्हें विसर्जित करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। यहाँ टोटल जो औसत है इस टाइम 10-12 की है सारे दिन के अंदर, तो उसमें कुछ जगह है 10-12 नीचे जमुना किनारे पे होते हैं जो वो अनमेरिड होते हैं, जो ऊपर होते हैं वो मेरिड होते हैं। तो ये 10-12 की दोनों जगह की एवरेज 10-12 की है, अन्यथा पहले 30-40 की एवरेज महीने की जो कंपलसरी थी वो थी, अब नहीं है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि राख का विसर्जन ज्यादातर पवित्र शहरों में होता है और पूरे देश में लॉकडाउन के कारण लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं। निगमबोध घाट के अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है कि लॉकरों में उचित सम्मान के साथ इस तरह के सभी शमशान राख को ठीक से संग्रहित किया जाए और लॉकडाउन हटते ही जल्द से जल्द इन सामग्री को परिजनों तक पहुंचा दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली तक।